बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो तुम्हें बोलना है जी? सर मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ सर्व शिक्षा के अंदर, और सिविल इंजीनियर भी हूँ बाय प्रोफेशन। तो सर मेरी एजुकेशन वगैरह जयपुर से हुई है, मैंने 5 साल पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम चालू किया था। अब मेरे सर स्टार्ट ही हुआ था, मेरे अब जॉब छोड़ के यहाँ पे आया था। अब 5 साल से सर स्थिति ये है कि बिल लोगों के लिए मैं चक्कर ही काट रहा हूँ, और जब भी बात करने जाता हूँ वहाँ पे तो जो भी JEE NEE वगैरह होते हैं वो सब ये बोलते हैं कि सरकार पैसा नहीं भेज रही, सरकार पैसा नहीं भेज रही। एक युवा ने बड़ी ईमानदारी के साथ सवाल पूछा है। जी बोलिए, खड़े हुई है, एक मिनट रुकिए, जो भविष्य का चुनाव लड़ना चाहती हूँ उन्हीं को पूछूंगा। खड़ी हुई है, क्या करती हैं आप? मेरी प्राइवेट नौकरी है कोर्ट में। कोर्ट में, बहुत अच्छी बात है। तो चुनाव कब लड़ना चाहती हैं आप? हाँ जी, अच्छा वीडियो बनाओ पहले, पहले वीडियो बनाओ। मुझे नहीं मालूम आप कब चुनाव लड़ना चाहती हैं, टिकट कैसे मिलेगा, टिकट कैसे मैनेज करेंगी, कहाँ तक पहुँचेंगी, पहुँच पाएंगी या नहीं पहुँच पाएंगी। ये बड़ा संकट और बड़ा मुश्किल वाला काम है, लेकिन आप आ तो गई हैं, वीडियो बनना जरूरी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, अच्छा वीडियो बना लो, चलो बोलिए। और आज अगर मैं चुनाव लड़ू ना लड़ू उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जो चंद्रमान जी के साथ लगे हुए हैं प्रेशर कुकर के साथ, हम उन्हें जिता के ही मानेंगे। अभी ये कार्यकर्ता हैं, राजनीति के गुर सीख रही। बाबूजी बड़े धैर्य से देख रहे हैं, क्या बात है, खड़े होइए। नमस्ते जी, मेरा ये नाम क्या है आपका? जय कुमार जैन। जय कुमार जैन। जैन, जय कुमार जी क्या काम करते हैं आप? मेरा बिजनेस है टेलीकम्युनिकेशन का। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? ये कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस जो अभी सारी गारंटियां लेके आई। अरे इतने सवाल तो कांग्रेस से पूछ डाले, बार बार सवाल कांग्रेस से ही पूछते हैं आप लोग। कांग्रेस से इसलिए पूछना पड़ेगा क्योंकि 5 साल से इनका शासन था, और ये गारंटी बहुत होशियार आदमी है। गारंटी 5 साल पहले क्यों नहीं लाया, अगर इनको इतना ही लग रहा था तो इन मौके पे क्यों लेके आए? और अब इससे क्या फायदा, अगर सरकार चेंज हो गई तो इनका क्या मतलब इस चीज का? बोले कि जो गारंटी आप 7 वाली लाए हैं, 7 गारंटी, ये अभी आप क्यों लेके आए, पहले क्यों नहीं लेके आए? मैं आ रहा हूं। क्या नाम है गुरुजी? पूरन जी कहाँ रहते हैं? चित्तौड़। क्या काम करते हैं? मैं जैकेट, जैकेट बेचने का काम करते हैं। बस आप ही के लिए मैं आया, सिर्फ पूरे चित्तौड़ में शो करने के, आप जैसे लोगों के लिए। यकीनन मैं उधर आया भी नहीं था इन लोगों से बात करने के लिए, ऑफकोर्स बीजेपी के पास आऊंगा। ये शो बना ही इसलिए है कि वो तमाम सारे लोग जो तमाम कहीं बातें नहीं कह पाते, मैं उन्हीं के लिए आता हूं और उन्हीं से बात करने आता हूं। आपका नाम क्या है? अंजलि भान। अंजलि, अंजलि शो देखती हैं आप? नहीं देखती? बहुत अच्छा करती हैं। तो कैसे आना हुआ यहाँ पे? दुकान आ रहे। जनता जो है हिंदुस्तान की वो तमाशबीन भी है, तो वो देखा कि तमाशा लगा हुआ है तो चले आए। बहुत अच्छा किया अंजलि आपने। खड़ो, ये कांग्रेस ये सरकार, ये क्या डाला है आपने? जी ये तो मैंने ऑनलाइन मंगाया है। ऑनलाइन मंगाया? अच्छा, मैंने कहा कोई अवार्ड है। जी बोलिए। ये मुद्दों से भटका रहे हैं कौन? कांग्रेस की सरकार केवल मुद्दों से भटका रही है। ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट बांट रहे, मोबाइल बांट रहे, लेकिन इनका मकसद ये मुद्दों से, मेन मुद्दों से भटकाना है। इनको बलात्कार नहीं रुक रहे हैं, इन्होंने पेपर लीक हो रहे हैं लेकिन जो भी नहीं रुक रहे हैं। ये कहते हैं कि अपराधियों को जेल जाने चाहिए, हम सभी अपराधियों को जेल डाल रहे हैं, लेकिन पेपर लीक वाले कहां गए? पेपर लीक का मसला लगभग पूरे राजस्थान में छाया रहा, पूरे राजस्थान में हर जगह जहां गया वहां पेपर लीक, पेपर लीक। जी बोलिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद चित्तौड़गढ़ धरती पे पधारने का। मैं ये समझना, आगे आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। क्या नाम है साहब आपका? मोहन खटवानी। मोहन खटवानी साहब क्या काम करते हैं? मेरा बिजनेस है। बिजनेस है? काहे का? रेडीमेड का, रेडीमेड गारमेंट्स का। जी बहुत बहुत स्वागत है खटवानी साहब। जी बोलिए। शो मैं आपको बहुत हमेशा टीवी पे देखता रहता हूँ और मुझे ये पसंदीदा शो लगता है आपका भैया जी कहीं। मैं ये चाहता हूँ कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा में कम से कम उसकी मूलभूत सुविधाएं जो है उसके ऊपर, जैसे जैसे ऐसे में सबसे ज्यादा जो चित्तौड़ शहर की बात है उसमें सड़कों का जो है ना जाल इतना खराब है, इतना खराब है जो पूछो मत। सड़कों का जाल इतना खराब है, इतना खराब है कि बस पूछो मत। सीवरेज लाइन जो डली थी या डल रही है या जो भी हुआ है वो इतनी, मतलब किसी तरफ से, मतलब इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि बस पूछो नहीं। आगे
मेन तो चित्तौड़गढ़ की मूलभूत सुविधाएं जो है ना, बोले सीवरेज अच्छा है, बहुत अच्छा है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, अच्छी हैं, मैं समझ जाइए, अच्छे अच्छी की जगह आप जो भरना चाहें भर लीजिए, लेकिन हालचाल मत पूछिए, हालचाल सब अच्छा है, सारे लोग खुश हैं, बहुत बढ़िया है। एक मौका आपको, एक मौका आपको और एक मौका आपको, वेरी क्विक, बाल मुकुंद जी से शुरू करूंगा। जी बाल मुकुंद जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई की पीड़ा को मैंने देखा है और ये इस पीड़ा के बारे में बाल मुकुंद जी कोई राजनीति करिएगा, उसमें सोल्यूशन दीजिएगा। सुनिए ना सर, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन सी सरकार है क्या है, पर हर सरकार को चिरंजीवी बीमा जैसी योजना चलानी चाहिए जिससे गरीब आदमी उसमें, जैसे आप आर्थिक रूप से नुकसान उठा रहे हैं, ऐसा आर्थिक मदद मिले, गरीब को संबल मिले और जीने की चाह पैदा। जी दीप्ति, ऐसी झूठी योजनाएं बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए जिसकी ये बात कर रहे हैं, चिरंजीवी योजना जो 5 लाख से ऊपर का अगर आप कहेंगे बीमा की बात, तो पूरे प्रदेश में केवल 12 लोगों को मिला है, 1 to 12 की बात कर रही हूँ मैं, 12 लोगों ने केवल चिरंजीवी योजना को 5 लाख से ऊपर केवल 12 लोगों को ये योजना का लाभ मिला है। ऐसी योजना चलाने से तो ना चला, बिल्कुल सही है, चिरंजीवी योजना में चित्तौड़ में मेरे ध्यान में है कि 5 लाख से ज्यादा का उनका इलाज था, उसकी जो फॉर्मेलिटी थी वो फॉर्मेलिटी कराते कराते 3 दिन में उनका देहावसान हो गया, तो ऐसी योजना का कोई फायदा नहीं है। क्या बात है आज, जल्दी, मेरे परिवार में एक पारिवारिक सदस्य है जिनको किडनी की बीमारी है, अशोक गहलोत वसुंधरा राजे की सरकार में मेरा भामाशाह कार्ड से फ्री इलाज होता था, जब से अशोक गहलोत कुर्सी पे बैठे पिछले 4.5 साल से मेरे पैसे लेके मैंने डायलिसिस कराया है और अभी 6 महीने से अशोक गहलोत चुनाव आए तो फ्री किया डायलिसिस। आज अभी सिर्फ इतना, मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्दी। मन की बात।